आदित्यनाथ जी, आप ये कहा करते थे कि नर सेवा नारायण सेवा है। अगर मोदी जी की रैली हो तो हजारों बसें उपलब्ध हैं, भोजन भी उपलब्ध है, पर जब उत्तर प्रदेश के गरीब साधारण मजदूर को सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव छाले लेकर बच्चे को कोख में उठाकर सामान पीठ पर लादकर थके हारे भूखे प्यासे बगैर भोजन और दवाई के अपने घर वापस जाना हो, फिर प्रियंका गांधी वड्रा जी और कांग्रेस पार्टी के साथियों की बसें भी आपको मंजूर नहीं, उसके अंदर भी आप घटिया और सस्ती राजनीति करेंगे, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी राजनीतिक दल और सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। हमने लगातार सकारात्मक सहयोग दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, 60 लाख लोगों तक प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मदद पहुंचाई है। वो चाहे सांझी रसोई चलाई हो एक एक सड़क पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथियों ने, और चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथियों ने दवा दारू यानी हर प्रकार की व्यवस्था की हो, रहने का इंतजाम किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारा इंतजाम देखा हो, सड़क पर एक एक व्यक्ति को पानी और खाने और दवाई का इंतजाम किया हो, और आज जब हमारे लाखों भाई बहन घर वापिस जाना चाहते हैं तो आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी की परवाह ना करते हुए हजारों लाखों की संख्या में बॉर्डर पर पंजीकरण की बात करते हैं, और जब प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के साथी बसें उपलब्ध करवाते हैं तो आप उसको भी दुत्कारते हैं, घटिया राजनीति करते हैं, सस्ती संवेदनहीन सोच रखते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं है उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता को।